राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर रेडियो पत्रिका बाल प्रभा। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं कार्यक्रम राष्ट्रीय पक्षी मोर। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, अभी रुक नहीं, पकड़ना अभी, पकड़ती हूँ। पकड़ लिया, देखा नेहा, इधर आ जाओ बच्चों, आए दादी, यहाँ बैठते हैं, अभी आते हैं दादी जी। दादी जी, ये जगह ठीक रहेगी, यहाँ पेड़ों की घनी छाया भी है और ठंडक भी है ना दादी जी। यही घास पे बैठेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, आओ बैठ जाओ। दादी जी, इस बाग में अच्छा लग रहा है, एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? दादी जी, आज तो कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए। हाँ कहानी? हाँ सुनाइए ना दादी जी। अच्छा, पर कौन सी सुनाऊं? हाँ याद आई, मोर की कहानी सुनोगे? मोर की? हाँ दादी जी, अब सुना भी दीजिए ना। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जंगल का राजा शेर अपना भोजन कर रहा था, उसकी दांत में हड्डी का एक टुकड़ा फंस गया। शेर के मुंह में? शेर को तो बड़ा दर्द हुआ होगा ना दादी जी। और क्या, बेचारा शेर कभी बैठता, कभी घूमता, तो कभी दर्द से कर रहा था। दादी जी, शेर की मदद किसी ने नहीं की? भाई पशु पक्षी तो वहाँ बहुत थे, पर शेर की मदद की मोर ने। मोर ने? वो कैसे? मोर ने शेर से कहा, अपना मुंह खोलो। अरे दादी जी, मुंह? और वो भी शेर का? शेर के बड़े बड़े दांत देखकर तो मोर डर गया होगा ना दादी जी। नहीं नहीं नेहा बेटी, शेर के मुंह खोलने पर मोर ने क्या किया दादी जी? सोचो तो। भला क्या किया होगा, आप बताइए ना दादी जी। मोर ने अपनी चोंच शेर के मुंह में डाली और हड्डी का टुकड़ा झट से बाहर निकाल दिया। चोंच से? हाँ नेहा, मोर की चोंच नुकीली जो होती है। अरे वाह, मोर तो बड़ा होशियार निकला और बहादुर भी तो था, शेर के मुंह में अपना सिर ही डाल दिया। शेर तो बड़ा खुश हुआ होगा है ना दादी जी। और क्या, अगले दिन शेर ने अपना दरबार लगाया। शेर का दरबार? हाँ भाई, शेर जंगल का राजा जो था। दरबार में सारे पशु पक्षी आए। फिर क्या हुआ? दरबार में शेर ने खुश होकर मोर के सिर पर कलगी लगा दी। कलगी? दादी जी, ये कैसे हो सकता है? भाई मैं कब कह रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, भाई ये तो बस कहानी थी, पर सुनकर तुम्हें मजा तो आया ना? सो तो है दादी जी। दादी जी, बादल आ गए और हमें तो पता भी नहीं चला। उठो उठो, यहाँ से जल्दी उठो, हम सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। चलो 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 चलो। और क्या, बारिश में भीगना थोड़े ही है। चलो चलो नेहा, हम दौड़ कर बाग के उस और बरगद के पेड़ के नीचे चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, दादी जी धीरे धीरे चलकर वहाँ आ जाएंगे। नेहा जल्दी आओ, देख बाग में कितने मोर आ गए।
सुंदर है सोनू, इसकी गर्दन तो कितनी लंबी है और नीली भी तो है। देख देख इसकी कलगी कितनी सुंदर है, नीली हरी और सुनहरे रंग वाली। सोनू मोर के पंख बड़े चमकीले हैं। देखो तो ये मोर कितना सुंदर है। तुम्हें पता है नेहा, मोर के रंग बिरंगे पंख जब खुलते हैं तो बस। देखो सोनू मोर अपने पंखों को कितनी तेजी से हिला रहा है। अरे वाह उसके पंख तो फैलने लगे हैं। देखो देखो इसने अपने सारे पंख फैला लिए। इसके पंखों में कितनी चमक है। और तुम जानते हो मोर बादलों की हल्की सी गरज को भी सुन लेता है, और बादलों की गरज सुनकर मोर खुश हो जाता है। अच्छा अरे देखो देखो मोर कैसे नाच रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मोर फिर बोला म्याऊ म्याऊ। मोर की आवाज कितनी मीठी है ना। हाँ सोनू सोनू नेहा कहाँ हो तुम? हम इधर है दादी जी, मोर का नाच देख रहे हैं। दादी जी जल्दी आइए, आप भी मोर को नाचते हुए देख लीजिए। अरे हाँ नाचते हुए मोर और भी सुंदर लगने लगता है। मोर जंगल में झुंड के साथ घूमता रहता है और तरह तरह के कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसल को भी नष्ट होने से बचाता है। अच्छा ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। एक बात और भी याद रखनी चाहिए बच्चों। कौन सी बात दादी जी? शरद ऋतु यानी अक्टूबर महीने के मध्य से लेकर फरवरी महीने के मध्य तक के समय के दौरान मोर अपने पुराने पंख झाड़ देता है। अच्छा, और उन झड़े हुए पंखों को ही सजावट के काम में लाया जा सकता है। दादी जी उधर कोने में मोर का एक झड़ा हुआ पंख पड़ा है, मैं उठा लूं? उठा लो नेहा। और एक बात बताओ। हाँ बताइए ना दादी जी। तुम लोग तो जानते ही हो कि मोर सुंदर है, चतुर है, साथ ही कीड़े मकोड़ों को खाकर हमारी फसलों का नुकसान होने से बचाता है, और मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया गया है। हाँ राष्ट्रीय पक्षी मोर। बच्चों सदा याद तुम रखना सबका प्यारा है पक्षी मोर, अपनी सुंदरता के कारण दुनिया में मशहूर है मोर। इसीलिए प्यारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये मोर, इसीलिए प्यारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये मोर। प्यारा प्यारा सुंदर मोर, प्यारा प्यारा सुंदर मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख उर्मिला भार्गव, भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर बी आर धर्मेंद्र, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार कुक्कू माथुर, बाल कलाकार मेघा और आकाश, संगीतकार हरभजन सिंह, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और दीपा, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।